आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। कोरोना संकट के चलते लोगों की जिंदगी थम सी गई। वस्तुओं के उत्पादन व खपत का अनुपात अब बिगड़ने लगा है। दरअसल आपको बताते चले कि लॉकडाउन में मंडी बंद हो जाने से सब्जी उत्पादक अपने उत्पाद की बिक्री को लेकर आज भी चिंतित व भयभीत हैं। गरीब किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने खेतों में सब्जी का उत्पादन किए थे, लेकिन ऐन वक्त पर बिक्री ना हो पाने से फसल खेतों में ही बर्बाद हो गया। उनकी यह मेहनत निर्मूल साबित हो गई। शहर के सब्जी व्यवसायी अब गांव में खेतों तक पहुंच रहे थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण अब वे सब्जी व्यवसायी अब सब्जी खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं। इससे ग्राहकों को ताजी सब्जी उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा, वहीं किसानों का भी उत्पाद समय से नहीं बिक रहा है। जब हमने वहां जाकर देखा तो बीघे खेत में गोभी, बैंगन, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, खीरा आदि सब्जियों की खेती की है। पूरी खपत तो नहीं हो पा रही, लेकिन जैसे तैसे थोड़ा उपज खेत से निकल रहा था। रमा शंकर रजवाड़े ने बताया कि हमारे सेठ के द्वारा करीब 6 एकड़ में सब्जी की खेती की गई है। लॉकडाउन होने पर उनका बहुत नुकसान हुआ है। उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे खरीददार खेत आ रहे हैं। कह रहा है, अपने नाम बताएंगे? मेरा नाम रमा शंकर रजवाड़े है। ये बताएंगे, आज आप लोग यहाँ पर जो खेती किए हैं, हाँ, अभी आप लोगों को लॉकडाउन की वजह से कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग को बहुत मुसीबत करना पड़ रहा है। लेबर नहीं मिला है, पूरा खेरा नुकसान हो गया है। इधर जो सामने में लगा था वो हो गया, जो शिमला लगा है वो हो गया है, गोभी जो है फूला वो पूरा नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब अभी जो लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से आप लोगों की खेती में बहुत नुकसान हुआ है? हाँ सर, बहुत नुकसान हुआ है। अभी ऐसा देखा भी जा सकता है कि जो खाद वाद का बीज वीज का जो पैसा लगा है, हाँ, हाँ, क्या वो भी नुकसान हुआ है अभी आप लोगों को? हाँ हुआ है। आपको क्या लगता है, अगर लॉकडाउन खुला नहीं रहता तब कितनी गाड़ी आपकी यहाँ से पार्सल होकर के जाती है और अभी कितनी जा रही है? अभी तो बस एक ही गाड़ी जाता है सर, अगर लॉकडाउन नहीं रहता ना तो 2-3 गाड़ी चला जाता। उनका कहना है कि उपज का उचित मूल्य तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कम अधिक कीमत पर सब्जी बिक जा रही है। वहाँ काम करने वाले मजदूर का कहना है कि हमारे द्वारा खेतों में बड़ी मात्रा में खीरा का फसल लगाया गया था, लेकिन खीरा का सही समय अवधि पर बिक्री नहीं हो पाया, जिसके चलते उनको अच्छा खासा नुकसानी झेलना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।